हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है वीवो को y3s। अगर आप इस फोन में अपने रिंगटोन वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, रिंगटोन की कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस किस टाइप से इस फोन में आप रिंगटोन की चेंज कर सकते हैं और कैसे रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हैं। सब कुछ जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले अपने फोन की जो सेटिंग है उसको ओपन कीजिए। यहाँ फिर आपको देखने मिलेगा साउंड, सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो वॉल्यूम वगैरह होता है, जो आपका मीडिया वॉल्यूम और आपके रिंगटोन वॉल्यूम होता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितना आपको यहाँ पर रखना है वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकेंगे। इसके बाद आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा यूज वॉल्यूम बटन ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप दो टाइप से अपने ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी आप देखेंगे आपका जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपको मीडिया वॉल्यूम ये कम होता है। अगर आप इसी की जगह पे रिंगटोन वॉल्यूम सेट करना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए तो आपका रिंगटोन जो वॉल्यूम होता है वो कम यहाँ पे कम ज्यादा यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं अगर आपको रिंगटोन चेंज करना है तो कैसे करेंगे। रिंगटोन चेंज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ फोन दिखेगा, फोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी जो फोन की रिंगटोन है वो आपको सभी देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल इस तरीके से क्लिक करके उनको प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपको अपने फाइल में से रिंगटोन सेट करना है तो उसके लिए आपको कस्टम रिंगटोन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होता है। तो आपके फोन में जो भी रिंगटोन वगैरह आपने डाउनलोड किए हैं, गाने वगैरह जो भी हैं आपके फोन के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कौन सी डाउनलोड किया आपने वो यहाँ आपको देखने आए और इस तरीके से क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। तो आपकी रिंगटोन इस तरीके से सेट हो जाती है। मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में कैसे आप नई नई रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट रिंगटोन। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। इस तरीके से तो फ्रेंड्स आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। आपकी नोटिफिकेशन साउंड होती है उनको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको नीचे की ओर और भी अदर साउंड देखने को मिल जाए। नंबर डायल करते समय एक आपको आवाज आती है तो उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। जो स्क्रीन लॉक करते समय आपको आवाज आती है उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसको भी बंद कर पाएंगे। आपको चार्जिंग पिन लगाते टाइम एक आवाज आती होगी आपको जब देखते होंगे, उसको बंद करना चाहते हैं तो ये भी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। टच करना चाहते हैं, टच करने पर आपकी आवाज होना चाहिए तो यहाँ एनेबल कर दीजिए। तो टच करेंगे अपनी स्क्रीन को तो अब भी आपको एक आवाज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा आपका स्क्रीन कैप्चर। अगर आप स्क्रीन शॉट क्लिक करते हैं तो आपको ये आवाज आती है, इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको भी आप इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। आपको मैसेज साउंड वगैरह चालू करना है ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब आपको बैक बटन है यहाँ पे प्रेस करते हैं, इनको प्रेस करते हैं आपको वाइब्रेट होना चाहिए तो यहाँ से इस तरीके से इनको इनेबल करा सकते हैं। अब आपको बताते हैं आप लेटेस्ट रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है y3s। आप y3s एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी मदद से आप नए नए रिंगटोन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में फ्रेंड्स इमेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको देखने को मिल जाता है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जहां से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल ही सेफ है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के मदद से भी नई नई रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।